Good morning, all of you. Here I am, Rang Pawar from Rainbow Children's Academy, and I am here to teach you mathematics. Today we are going to start the second exercise of chapter number 1 of class 8. So here we go. The first question is, represent these numbers on number line. आपको क्या करना है, ये जो numbers हैं, इनको numbers line पे क्या करना है, represent करना है. The first number is 7/4. मैं आपको केवल एक क्वेश्चन करके दिखाने वाली हूँ और इसको इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको ट्राई करने वाले हैं. तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए. ठीक है, देखिए पॉजिटिव नंबर है, ठीक, और इसके डेनोमिनेटर में क्या है, 4 है. तो आप क्या करेंगे, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो क्योंकि आपने कुछ और नंबर सोच करके
5. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको क्या करती है, 90 स्टैंडर्ड में भी ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2. आपको -2/5 एंड 1/2 के बीच में कितने 10 रेशनल नंबर्स क्या करने हैं, फाइंड आउट. ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे. सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उनके डेनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे पहले. ठीक है, और अगर आपको कोई फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, होल नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके डेनोमिनेटर में वन शो करेंगे. ठीक है, मतलब उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी डेनोमिनेटर दिया हुआ है, एक का डेनोमिनेटर 5 है और दूसरे का डेनोमिनेटर क्या है, 2 है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको इन डेनोमिनेटर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ, आप 5 का एलसीएम निकाल लीजिए. ठीक है, तो ये प्राइम नंबर होता है, आप 2 का एलसीएम निकाल लीजिए, ये भी प्राइम नंबर होता है. तो 5 का एलसीएम कितना आ गया, 5 सॉरी फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स आ गए 5, और 2 का प्राइम फैक्टर
34. ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो उनमें से कोई 10 निकाल लेते तो मैंने ये 10 निकाल के यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया. अब इनमें से अगर कोई कैंसिल आउट होता है, ठीक है, वो चीज भी आपको करनी होगी. ठीक है, अगर इनमें से कोई ऐसा फ्रैक्शन है जो कैंसिल होकर सिंपलेस्ट हो रहा है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रखते हैं. जैसे कि ये दोनों इवन नंबर्स हैं, ये 21 बन गया, ये 55 बन गया. ठीक है, उसके बाद ये दोनों से जीरो कैंसिल हो गया. ठीक, इसके अलावा दोनों इवन नंबर ये 19 बन गया, ये भी 55 बन गया. ये दोनों नंबर्स इवन है तो ये 18 बन गया, तो ये कितना बन गया, 55 बन गया. ठीक, ये दोनों 5 से कैंसिल आउट होते हैं 7 टाइम और ये बन गया 22 टाइम. ठीक, ये दोनों इवन नंबर है तो ये 17 बन गया और ये कितना बन गया, 55 बन गया. ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपको पॉजिटिव की तरह जाना है, मतलब -10 से